हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट में एक्सरसाइज कंप्लीट की थी 7.2 और नेक्स्ट थ्योरम 7.4 साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। क्लास में 7.4 कंप्लीट है, यस और नो प्लीज। थ्योरम 7.4 नाइन्थ डी में कंप्लीट है, नाइन्थ ए बी में कंप्लीट है, सी क्लास क्लास सी ओके। चलो थ्योरम 7.4 साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। थ्योरम 7.4 साइड 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 कॉन्ग्रुएंस चलो सेंटेंस आपके पास है, मैं लिखता नहीं हूँ, टेक्स्ट बुक में ध्यान रखो। इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। इफ थ्री साइड ऑफ वन ट्राइंगल, फर्स्ट वन इन गिवन, इन ट्राइंगल A, B, C and suppose the triangle P, Q, R. If three sides of one triangle are equal to the three sides of another triangle, मतलब इसकी side A, B is equal to P, Q, B, C is equal to Q, R और ए सी इज इक्वल टू पी आर, इतना हमें गिवन बताया है, तीनों तीन साइड इक्वल है। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर दोनों कॉन्ग्रुएंट है। चलो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल कंसीडर करना है, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर चलिए इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है। यहां पर एक साइड ऐसी ड्रॉ करो, ए साइड और ए साइड इक्वल हो जाए क्यू एस, दूसरा बी सी इज इक्वल टू क्यू आर,
और AC इक्वल टू PR ऐसा हमें गिवन में बताया, और हमें यहाँ पर जितना एंगल B है उतना ही एंगल यहाँ पर मेक करना है, यानी ये दोनों एंगल सेम है, और बाद में इसको ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, फर्स्ट वन ड्रॉ ड्रॉ लाइन सेगमेंट क्यू एस सच दैट क्यू एस इज इक्वल टू पी ए एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल एस क्यू आर। चलो ड्रॉ हमें क्यू एस करना है सच दैट के ए बी इज इक्वल टू क्यू एस हो, और ए बी सी मतलब ये एंगल इज इक्वल टू एस क्यू आर हो, ऐसा हमें कंस्ट्रक्ट करना है दूसरे ट्राइंगल के अंदर। एंड नाउ जॉइन जॉइन एस आर एंड जॉइन पी एस चलो दोनों को ज्वाइन कर दो तो हमारा ट्राइंगल इस तरफ से मिलेगा, यानी कंस्ट्रक्शन रहेगा क्यू एस सच दैट क्यू एस इज इक्वल टू ए बी, और ए बी सी वाला एंगल और एक एस क्यू आर वाला एंगल दोनों सेम है। बाद में ज्वाइंट एस आर किया, बाद में ज्वाइंट पी एस करना है। चलो सबसे पहले हमें ट्राइंगल ए बी सी एंड एस क्यू आर नीचे का जो दो ट्राइंगल है उसको कॉन्ग्रूंट कंसिडर करना है। सबसे पहले हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रूंट कंसीडर करना है, प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एस क्यू आर। चलो इस दोनों ट्राइंगल में कौन सी साइड इक्वल है, इसके अंदर ट्राइंगल ए बी सी वाला और यहाँ से नीचे का ट्राइंगल, मतलब ये ट्राइंगल ए बी सी और नीचे का जो ट्राइंगल है क्यू एस आर है, इसमें से मुझे पता है कि ए बी ने क्यू एस इक्वल है, क्यू एस इज इक्वल टू बी ए, क्यू एस इज इक्वल टू बी ए। चलो फ्रॉम कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट दूसरी क्या बात पता है, यहाँ पर से एंगल यहाँ से मुझे एंगल दोनों इक्वल दिया, वो भी कंस्ट्रक्शन है ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल एस क्यू आर फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। अरे इतनी बात समझ में आ गई। और दूसरा देखो तो यहाँ पर क्यू आर इज इक्वल टू बी सी गिवन से है, यानी बी सी इज इक्वल टू क्यू आर फ्रॉम कंस्ट्रक्शन सॉरी फ्रॉम गिवन। इसके ऊपर से मैं रूल अप्लाई करूँ तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रूंट टू ट्राइंगल एस क्यू आर, कौन सा हमने रूल अप्लाई किया, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। चलो यहां से इतना तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया एबीसी और एस क्यू आर। चलो इसमें हमें थोड़ा सा सीपीसीटी निकलना है, हमें करना क्या है तो यहां पर जो एक साइड हमें कॉन्ग्रुएंट कंसीडर करना है ए साइड के साथ में मुझे ए साइड कॉन्ग्रूंट करना है,
एसी इज इक्वल टू, तो यहां पर मैं सीपीसीटी यूज करूं तो एसी इज इक्वल टू एस आर, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सीपीसीटी। चलो दूसरा हमें एक एंगल भी इक्वल करना है, ए वाला एंगल। इसके साथ में ए एंगल, ए बी सी। तो यहां पर ऊपर की तरफ देखो तो बी ए सी, ओके। चलो वो एंगल सीपीसीटी से यूज करूं तो ए बी ए सी एंगल सीपीसीटी बी ए सी। यहां से देखो बी ए सी, तो यहां पर क्यू एस आर, तो यहां पर एंगल रहेगा क्यू एस आर। चलो ए बी सी पी सी टी होगा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब हमने क्या कर दिया, ये वाला एंगल है और यहां पर पूरा एंगल एक दूसरे से इक्वल कर दिया सीपीसीटी से, रेड वाली साइन है वो, ओके। यहां से बी ए सी और यहां से ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो गया। चलो इतना काम हो जाए, उसके बाद में हमने कुछ दो ट्राइंगल्स निकाले थे आपको पता है, तो हमें सीपीसीटी से और गिवन से, सीपीसीटी एस इज इक्वल टू एस आर है, यहां पर AC is equal to SR और यहाँ पर AC is equal to PR है, given ऐसा बता रहा है। चलो यहाँ पर यूज करता हूँ मैं AC is equal to SR and AC is equal to PR। AC is equal to PR ऐसा given से और first one से मिला मुझे। S is equal to SR, S is equal to PR। चलो इसके ऊपर से मैं क्या कर सकता हूँ, AC AC दोनों इक्वल है, मतलब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड मुझे इक्वल मिलेगा। तो SR is equal to PR, हमने प्रूव कर दिया कि SR ने PR भी एक दूसरे से इक्वल है। तो इक्वेशन नंबर थ्री कह देते हैं। चलो SR is equal to PR मिल गया, 1 मिनट। चलो क्लियर, चलो यहां पर हमने एस आर इज इक्वल टू पी आर प्रूव किया। चलो इतनी बात समझ में आ गई, के साथ में ये तीनों तीन रेड वाली साइन है और एक दूसरे से ये इक्वल है, एस आर इज इक्वल टू पी आर। चलो दूसरी बात, कंस्ट्रक्शन से मुझे पता है, नाउ ए बी इक्वल टू एस क्यू फ्रॉम कंस्ट्रक्शन से, और गिवन ऐसा बता रहा कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये गिवन से हमें पता चल रहा है। तो इसके ऊपर से मैं लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो मैं एस क्यू इज इक्वल टू पी क्यू कंसिडर कर सकता हूँ।
क्वेश्चन नंबर फोर, चलो एस क्यू मतलब एस क्यू ए वाला एंगल साइड, ए साइड के साथ में ए साइड इक्वल है और हमने क्या प्रूव किया कि एस क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, तो ए साइड भी एक दूसरे से इक्वल है। चलो अब दो ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, उसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल निकलना है, इसमें से लेफ्ट हैंड साइड से देखो तो ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल पी क्यू एस, और दूसरा ट्राइंगल देखो तो यहाँ पर इधर एक ट्राइंगल ऐसा है पी आर एस। चलो इसके अंदर जितना भी हमें इक्वल साइड्स ने सब कुछ मिला हो हम प्रूव कर सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रूंट कंसिडर करना है, चलो यहाँ पर हमने क्या दिया था पी क्यू ए साइड के सामने दोनों ट्राइंगल के अंदर, यहाँ पर देखो ए साइड इक्वल है, इसका ऑपोजिट एंगल यहाँ पर, इसका ऑपोजिट एंगल यहाँ पर, वैसे ए दो साइड इक्वल है, इसका ऑपोजिट एंगल यहाँ पर, इसका ऑपोजिट एंगल यहाँ पर। मैं इसमें थियरम 7.2 यूज कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट स्टेप, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस के अंदर हमें क्या पता है दो साइड इक्वल है, कौन सी दो साइड इक्वल है, हमने अभी प्रूव किया कि पी क्यू इज इक्वल टू एस क्यू फॉर्म फोर्थ वन। चलो पी क्यू इज इक्वल टू एस क्यू है मुझे फ्रॉम फोर्थ वन से मिला। चलो इसकी ऑपोजिट साइड का एंगल बोलो, पी क्यू साइड के ऑपोजिट एंगल, पी क्यू साइड उसका ऑपोजिट एंगल ये होगा, या मैं कंसीडर करूं तो ये वाइट लाइन वाला। चलो यहां पर हमें पी एस क्यू एंगल, पी एस क्यू मिलेगा इज इक्वल टू एस क्यू साइड का ऑपोजिट एंगल, एस क्यू साइड का ऑपोजिट एंगल ए वाला है ऊपर की तरफ, यहां पर मैं व्हाइट लाइन कंसीडर करता हूं, तो मुझे यहां पर कौन सा एंगल मिलेगा, क्यू पी एस एंगल, क्यू पी एस। कौन सा थ्योरम यूज किया, थ्योरम 7.2 फिर से यूज किया। चलो इतना में मिल गया। चलो यहां पर हम इसको इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं। अब दूसरा ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल पी आर एस, पी आर एस इसके अंदर हमने अभी प्रूव किया था कि एस आर इज इक्वल टू पी आर, ओके, तो हम लिख सकते हैं कि पी आर इज इक्वल टू एस आर कौन से नंबर से, फ्रॉम थर्ड वन। चलो ये थर्ड वन से निकाला मैंने कि पी आर इज इक्वल टू एस आर। चलो इतनी बात समझ में आई, थ्योरम 7.2 यूज किया इसके अंदर, पी क्यू साइड का ऑपोजिट एंगल ए होगा, एस क्यू साइड का ऑपोजिट एंगल ए होगा, पी आर के साइड का ऑपोजिट एंगल ए होगा, तो एस आर के साइड का ऑपोजिट एंगल ए होगा। चलो पी आर का ऑपोजिट एंगल, पी आर का ऑपोजिट एंगल ए पी एस आर, एंगल पी एस आर इज इक्वल टू एंगल एस आर का ऑपोजिट एंगल ऊपर का रहेगा आर पी एस, आर पी एस। फिर से थ्योरम 7.2 यूज किया, इसको सिक्स्थ वन कह दो। चलो फिफ्थ ने सिक्स्थ मतलब हमने क्या किया, जो यहां पर ध्यान दो, ए वाला जो एंगल है इसके साथ में ए वाला एंगल इक्वल कर दिया मैंने,
मैं इसको इक्वेशन नंबर या एंगल नंबर दे देता हूँ, 1 ने 2 इक्वल है, 3 ने 4 इक्वल है, तो अब दोनों ए ना ए दोनों का सम मैं कर दूँ, ए दोनों का सम कर दूँ तो मुझे फुल एंगल मिल जाएगा, ए दोनों का सम यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट है, और यहाँ पर 1 ने 3 एडजेसेंट है, 2 ने 4 एडजेसेंट, 1 ने 3 एडजेसेंट, यानी सम ऑफ 1 ने 3 सम ऑफ 2 ने 4, तो हमें फुल एंगल मिल जाएगा जो रेड वाला था वो, और यहाँ से फुल एंगल मिलेगा ये 1 ने 3 का एडिशन करूँ तो एडजेसेंट एंगल है 1 ने 3 2 ने 4 वो दोनों का मैं सम कर देता हूँ, तो 1 वाला एंगल कौन सा है, ये QPS वाला है, QPS ये वाला, इसके सामने कौन सा आना चाहिए RPS, तो यहाँ पर देखो RPS राइट एंड राइट एंड साइड दोनों यहाँ पर ये मिलेगा। दूसरा थर्ड वन एंगल कौन सा है, यहाँ पर सेकेंड वन ए वाला एंगल, सेकेंड वन मतलब एक PSQ मतलब यहाँ पर है, और फोर्थ वन एंगल कौन सा है PSR मतलब ये है, मतलब मुझे एडिंग कर दूँ मैं एडिंग फिफ्थ वन एंड सिक्स्थ वन, चलो दोनों का एडिशन करो यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा एंगल PSQ प्लस एंगल PSR इज इक्वल टू यहाँ पर राइट हैंड साइड QPS प्लस एंगल RPS, चले सभी एडजेसेंट एंगल है, चलो ये दोनों का सम करो PSQ मतलब ये और ये दोनों 3 ने 4 का सम करो तो कौन सा एंगल मिलेगा 2 ने 4 और 1 ने 3, तो 2 ने 4 का सम करो तो हमें जो चाहिए एंगल वो मिलेगा ये वाला एंगल QSR, ओके यहाँ पर हमें दोनों का सम करना है ये वाला एंगल QSR एंगल QSR इज इक्वल टू एंगल ये दोनों का सम करो तो QPR, इसको इक्वेशन नंबर 7th वन के हमने प्रूव कर दिया कि क्यू ए वाला एंगल और सामने का ये दोनों एंगल इक्वल है। चलो एक सीपीसीटी यूज किया था, यहां पर देखो कौन सा वाला था, ये सेकेंड वन एंड ए वाला देखो 7th वन QSR QSR दोनों इक्वल है तो मैं लिख सकता हूँ इसके बदले में BSE इज इक्वल टू QPR फ्रॉम सेकेंड वन एंड 7th वन, क्योंकि आपको पता है QSR QSR इज इक्वल टू BSE इन QSR इज इक्वल टू QPR, मतलब मैं फ्रॉम टू एंड फ्रॉम 7th वन इसके ऊपर से क्या लग सकता हूँ एंगल BAC इज इक्वल टू QPR, चलो इसको मैं इथ वन कह देता हूँ, तो हमने प्रूव कर दिया कि BAC इज इक्वल टू QPR है, मतलब एंगल कौन सा इक्वल है इसके साथ में एंगल ए वाला इक्वल है ऊपर के अंदर ट्राइंगल ए, अब समझ में आ रहा है एंगल और एंगल तीन इक्वल्स। चलो अब प्रूव करना है हमें ट्राइंगल ABC एंड PQR, नेक्स्ट पेज पे अब ड्रॉ करते हैं कि हमारा दो ट्राइंगल कॉन्ग्रूंट करना है, एक ट्राइंगल हमारा है ABC और दूसरा ट्राइंगल हमें मिला है PQR, चलो इसके अंदर गिवन ऐसा बता रहा है कि AB इज इक्वल टू PQ और अभी हमने क्या प्रूव किया कि BAC इज इक्वल टू QPR, चलो दूसरा हमें गिवन से ही पता है कि AC इज इक्वल टू PR,
तो मैं कंसीडर करता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। चलो इसमें गिवन से मैं लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ऐसा गिवन बता रहा है। चलो हमने लास्ट इक्वेशन बी ए सी इज इक्वल टू क्यू पी आर, कौन सा इक्वेशन है फ्रॉम 8th वन। चलो इसके बाद में हमने क्या प्रूव करना है, इवन से थर्ड साइड ए सी इज इक्वल टू पी आर। चलो ऐसा भी गिवन बता रहा है, मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। हमने प्रूव करना था कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर है। समझ में आई बात? जो यहाँ पर पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी इन पी क्यू, और इसके अंदर ऐसा बोला कि भाई तीनों तीन ये साइड और तीनों तीन ये साइड इक्वल है। हमने प्रूव किया करना है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। कंस्ट्रक्शन से हमें पता चलेगा ड्रॉ क्यू एस सच देट क्यू एस इज इक्वल टू बी ए, ऐसा हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जो क्यू एस इज इक्वल टू यहाँ पर ए बी हो, और दूसरा ए एंगल जितना ही ये एंगल हो, यानी ए बी सी इज इक्वल टू एस क्यू आर। हमें ज्वाइन किया एस आर एंड ज्वाइन किया पी एस, बाद में क्या किया दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कंसिडर किया, दोनों ट्राइंगल यहाँ पर साइड एंगल साइड एंग कॉन्ग्रुएंस रूल से अप्लाई हुआ। बाद में हमने सी पी सी टी लिया कि एसी साइड ने एस आर साइड इक्वल है, बाद में सी पी सी टी लिया कि बी ए सी ऊपर का एंगल है नीचे का एंगल, सी पी सी टी से इक्वल किया। तो यहाँ से हमें पता चला कि एसी इज इक्वल टू एस आर है, तो गिवन ऐसा बोल रहा था कि एसी इज इक्वल टू पी आर है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होगी, एस आर इज इक्वल टू पी आर। बाद में हमें दूसरा इक्वेशन से पता चल रहा है कंस्ट्रक्शन से यहाँ से कि ए बी इज इक्वल टू एस क्यू है, तो गिवन के अंदर ऐसा बताया कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, तो उसके ऊपर से मैं लिख सकता हूँ एस क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। दोनों दोनों साइड इक्वल है, यहाँ पर दोनों साइड इक्वल है, तो यहाँ पर 7.2 थियरम यूज किया कि पी क्यू और एस क्यू का ऑपोजिट एंगल, तो यहाँ से ऊपर का एंगल होगा इसका ऑपोजिट एंगल ही होगा, मतलब पी एस क्यू इज इक्वल टू क्यू पी एस। सेम टू सेम दूसरा पी आर एस ट्राइंगल है, इसके अंदर पी आर और एस आर दोनों सेम था, तो पी आर का ऑपोजिट एंगल पी एस आर है, आर एस का ऑपोजिट एंगल ऊपर का आर पी एस है। बाद में क्या करना है, ये दोनों का सम करना है, मतलब एडजसेंट एंगल 1 ने +3 करना है, 2 ने 4 करना है, ये दोनों का सम करना है। यहाँ पर ध्यान वो रखना कि यहाँ पर जो एंगल 1 है उसकी साइड में ही 3 होना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड 1 ने 3, राइट हैंड साइड या 4 2 ने 4, यानी पैर आपको सेम टू सेम रहना चाहिए, एडजसेंट प्लस एडजसेंट होगा, मतलब एंगल एस पी एस क्यू पी एस आर दोनों का सम किया लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से दोनों राइट हैंड साइड, ये कौन सा एंगल है क्यू एस आर है, और ये कौन सा है क्यू पी आर है, ये वाला एंगल ऊपर का। ये ऊपर से हमने क्या किया दोनों का यूज किया इक्वेशन नंबर 2nd वन और 7th वन, 2 ने 7th वन से क्या मिलेगा एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, क्योंकि क्यू आर एस सेम है, क्यू एस आर सेम, तो बी ए सी इज इक्वल टू क्यू पी आर सेम। बाद में ये दोनों एंगल इक्वल्स हो गई, तो हम सी पी सी टी यूज कर सकते हैं, क्योंकि गिवन में ऐसा बताया कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, एसी इज इक्वल टू पी आर है, और इंक्लूड एंगल है, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से हम अप्लाई कर सकते हैं। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? चलो कंप्लीट करो।
चलो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। टाइटल होगा वो एक्सरसाइज 7.3। E1 के अंदर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC, ABC और DBC के अंदर आइसोस्केल ट्राइंगल ऑन द सेम बेस, ट्राइंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोस्केल ट्राइंगल। ऑन द सेम बेस, द सेम बेस कौन सा बेस? BC। चलो दोनों आइसोस्केल ट्राइंगल है और दोनों एक ही बेस पे है। हमें शो करना है सबसे पहले ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। चलो पहले पहला पार्टी सोल्व करते हैं, सेकेंड पार्ट भी ऐसा है। ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। सबसे पहले दो पार्ट प्रूव करते हैं। ट्राइंगल ABC यहाँ पर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AP, ही इज ऑन AP, ऐसा हमें फिगर में दिया है। चलो कौन सा दो ट्राइंगल आइसोस्केल है? सबसे पहले तो हमें दो ट्राइंगल निकालना है इसमें से, ABC और DBC। ABC आइसोस्केल ट्राइंगल, ए साइड और ए साइड इक्वल, DBC मतलब इसके अंदर ये दो साइड इक्वल, हमें एक ट्राइंगल मिलेगा इसमें से ABC, ABC इसके अंदर ए साइड और ए साइड इक्वल। दूसरा ट्राइंगल यहाँ पर नीचे में एक हो रहा है, दूसरा ट्राइंगल मिलेगा BDC मतलब ये वाला DBC, इसके अंदर ये दो साइड आइसोस्केल है इसलिए दो साइड इक्वल है।
गिवन के अंदर मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर, इसके अंदर ए बी इज इक्वल टू ए सी का मैं यूज कर सकता हूँ। दूसरा डी बी, ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू ए सी ने डी बी इज इक्वल टू DC, इसका मैं यूज कर सकता हूं। इसके अंदर मैं थियरम 7.2 यूज कर सकता हूं और एक बात और भी है जो तो सबसे पहले हमें पार्ट कौन सा प्रूव करना है, ए बी डी कौन सा है, बी डी ए वाला पार्ट, और दूसरा ए सी डी मतलब ये वाला पार्ट ऊपर का जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। चलो इसको तो पता चल गया क्या किया था दोनों, ओके इसकी जरूरत नहीं, आपको आइसोस्केल ट्राइंगल दिया उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। चलो हमें मेन पार्ट जो ढूंढना है वो ए बी डी है, एक ट्राइंगल इस तरफ से है ए डी पी, इसके अंदर हमें एक साइड पता है ये, और यहाँ से दूसरी, फिर से साइड के अंदर दूसरा ट्राइंगल है, यहाँ पर हमें मिलेगा ए, यहाँ पर डी, यहाँ पर सी, इसके अंदर देखो तो ये साइड, यहाँ से देखो तो ये दो साइड, और बाद में देखो ये तीन ए डी इज इक्वल टू ए डी दोनों में कॉमन है, मैं प्रूव कर सकता हूं यहां पर साइड साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से। सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। चलो इसके अंदर मैं कौन सी साइड कंसीडर कर सकता हूं, ए बी, ए बी इज इक्वल टू ए सी फ्रॉम गिवन। चलो दूसरा ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन साइड, ए डी इज इक्वल टू ए डी इज कॉमन साइड, और तीसरा बी डी इज इक्वल टू डी सी यानी डी बी इज इक्वल टू डी सी फ्रॉम गिवन। तो इसके ऊपर से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रूएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, साइड 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 कॉन्ग्रूएंस रूल। चलो यहाँ पर हमें दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रूएंट फर्स्ट पार्ट में मिलेगा, पता चला क्या किया, ओनली फॉर तीनों तीन साइड इक्वल कर दी, उसके ऊपर से हमें दोनों ट्राइंगल क्या मिलेगा, कॉन्ग्रूएंट मिलेगा, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से। चलो यहां से हमें एक सीपीसीटी निकालना है, कौन सा एंगल सीपीसीटी निकालना है, यहां पर से ए वाला एंगल और यहां से ए एंगल। चलो सी पी सी टी में लिख सकता हूँ एंगल पी ए डी, पी ए डी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो बी ए डी तो यहाँ पर मैं सी ए डी लिख सकता हूँ, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रूएंट ट्राइंगल सी पी सी टी को इक्वेशन नंबर वन कह दो। दूसरा ट्राइंगल कौन सा कंप्लीट करना है, ए बी पी ये वाला ट्राइंगल, ए बी पी और ए सी पी। चलो सेकेंड वन इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। चलो इसके अंदर ट्राइंगल ढूंढो, कौन सा ट्राइंगल है, ए वाला ट्राइंगल,
यानी ए बी पी और दूसरा ट्रायंगल इस तरफ से है, यहाँ पर ए पी सी, तो इसके अंदर हमें कुछ बातें पता है, एक पता है ए बी इज इक्वल टू ए सी, एस दो साइड इक्वल, दूसरे दोनों में कॉमन साइड, और अभी हमने जो एंगल प्रूव किया इसके अंदर से एंगल ए सीपीसीटी। चलो सबसे पहले हमें गिवन से पता चलेगा कि ए बी इज इक्वल टू ए सी फ्रॉम गिवन। चलो दूसरा यहाँ पर फर्स्ट वन से मैं लिख सकता हूँ बी ए डी, यहाँ पर देखो बी ए डी ये वाला एंगल, यहाँ से मुझे मिला ये एंगल, तो मैं बी ए डी बोलूँ इसकी जगह पे बी ए पी लिख सकता हूँ, यहाँ पर बी ए बी ए डी की है उसकी जगह पे बी ए पी हो जाएगा इज इक्वल टू एंगल, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था ये वाला एंगल सी ए डी, यहाँ पर सी ए डी है तो डी लाइज ए पी के ऊपर हो रहा है तो मैं सी ए पी बोल सकता हूँ, यानी सी ए पी फ्रॉम वन। इसका मैं चेंज यहाँ से ही कर देता हूँ, यहाँ पर आप लिख सकते हो बी ए डी की जगह पे बी ए पी और यहाँ पर सी ए डी की जगह पे लिख सकते हो सी ए पी, इसको इक्वेशन नंबर वन कह दो फ्रॉम वन से। चलो तीसरी साइड ए पी इज इक्वल टू ए पी, मतलब कॉमन साइड ए पी इज इक्वल टू ए पी इज अ कॉमन साइड, तो इसके ऊपर से मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रूट टू ट्राइंगल ए सी पी, कौन सा रूल अप्लाई किया साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। रिजल्ट नंबर टू ए बी पी इज कॉन्ग्रूट टू ए सी पी। चलो इसमें से हमें क्या करना है थर्ड साइड सी पी सी टी से निकलना है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बी पी इज इक्वल टू सी पी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रूंट ट्राइंगल पी सी टी, तो इक्वेशन नंबर टू कह देता हूँ। तो हमें कौन सी सेट चाहिए, ये थर्ड वन या सी, इसमें से थर्ड वन। चलो दो केस यहाँ पर सोल्व हो गया, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, यस और नो? बाकी के दो केस हम सोल्व करेंगे कल। चलो आज का थियरम है टू टाइम कंप्लीट करना है, ओनली फोर थियरम, ये सब नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके चलो गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय श्री कृष्ण। ओनली थियरम होमवर्क में टू टाइम।